ने दी मंजूरी, अब आगरा, कानपुर और मेरठ में भी दौड़ेगी मेट्रो। बहराइच के इकोना थाना क्षेत्र के नारायणपुर के पास बौद्ध परिपथ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और 40 गाड़ी में हुई भीषण टक्कर, 3 की मौके पर दर्दनाक मौत और 10 की हालत नाजुक। कर्नाटक में हलचल हुई तेज, पहले मंत्रिमंडल में संख्या को लेकर, फिर कैबिनेट पद और अब बजट को लेकर विवाद। क्या 5 जुलाई को गिर जाएगी सरकार? मड़ियाओं में जमीन पैमाइश के दौरान विवाद, वकीलों ने पुलिस वालों को दौड़ाकर पीटा, 13 गिरफ्तार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, आपातकाल थोपने वाले लोकतंत्र की दुहाई दे रहे। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने की आरक्षण की पैरवी, कहा एकजुट होकर फैसला लेना, सभी दल नतमस्तक करेंगे। पूर्व सीएम एनडी तिवारी का बंगला भी हुआ खाली, एक एक सामान गिनवाया, फिर सौंपी बंगले की चाबी। डीएम के आदेश के बाद भी खुले रहे सीएमएस स्कूल, सीएमएस में हुए 10वीं और 12वीं के कंपैरेटिव एग्जाम। क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर ने बताया है टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग अटैक को नंबर 1। अरुण जेटली ने एफबी पर लिखा, हिटलर से भी खतरनाक तानाशाह बन गई थी इंदिरा। शिमला से कालका 3.5 घंटे में होगा सफर, सोलर लाइट से जगमगाएंगी ट्रेनें।